बिंदा भैया को मिलना है ना, यहाँ बैठ के इंतजार करो। क्या बात हो? बिंदा भैया 10,000 रुपया मांगे थे ना, वही पैसा लेके आए। बिंदा भैया तो नहीं खे एजा, ऐसा बात तू एजी इंतजार कर, हम देखते हैं। भैया जी वसूली के पैसा बिंदा भैया खाते लेके आए बा, का के जा वो काम करो कर, बोल की जाके दीदी के दे दे। दीदी के का है? चुप, तू नहीं समझेगा, खेला देखते जा। क्या बोल ऐसा बा कि बिंदा भैया तो नहीं खे, तो ऐसा करते हैं कि ये रुपया सीधे जो है मालकिन के पास हम दिलवा देते हैं, है ना? अच्छा ऐसा है, थोड़ा रुकिए। ए बंसी जरा आई हो? इतना चिल्ला कह रहा है? देखा हो बिंदा भैया के वसूली के पैसा बात नहीं, ले जाके तनी मलकिनी के दिलवा दो, ठीक ना? ये बड़ा खास आदमी हुए, मलकिनी के लगे तक ले जाइए, है ना? तू बैठ, टेंशन नहीं ले। ठीक ठीक, जा भैया जा, जा इनके साथ है, जा। चल रे, क्या हो गया? चल आजा। उसका छोटका भाई का है, हमरा से का काम है? अरे वो बिंदा भैया ने उसको तो मिलना। भेजो भेजो चल। प्रणाम मलकिनी। प्रणाम, बोलो क्या कहना चाहते? भरे भरे दुकाने पे बिंदा भैया आए थे, उनको बहुत मारे पीटे, मुझसे कहने लगे 10,000 रुपया चाहिए। आपको तो हमारा औकात पता ही है, हम तेरे गरीब गुरबा, छोटा मोटा पान का धंधा करने वाले, ऊपर से बाल बच्चन की जिम्मेदारी अलग से, इतना रुपया हम कहां से लाते मलकिनी? कहा गरीब कहा अमीर, अरे अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, तो उधार पैसा मांग के कभी तरह से रुपया लाए। कहे कि बिंदा भैया बोले थे, वो बोले थे अगर आज पैसा का इंतजाम ना हुआ तो हमको जान से मार देंगे। बल्कि बल्कि रुपया ले लीजिए। पैसा ले लीजिए और हमें जान बख्श दीजिए, फिर मेहरबानी कीजिए मलकिनी, मेहरबानी कीजिए। उठ जाओ। दस हजार रुपए मांगे थे बिंदा ने। हाँ मलकिनी। ठीक है तुम जाओ, हम बिंदा से बात करेंगे। प्रणाम मलकिनी। पैसा लाके कहां से दी ओकरा के? हम मामा जी ओकरा से पैसा मांगले बाड़न तो जरूर कानो बात हुई। हे मैं तो सोच विचारे के का जरूरत बा? जरूरत बा ई जानल बहुत जरूरी बा कैसन कवन काम पड़ गए
जे बिंदा के एक पान वाला से पैसा लेवे के जरूरत पड़ गई। हमे त माथा पच्ची करे के का जरूरत बा, मामा जी के बुला के पूछ ला, सब बात अपने आप सामने आ जाएगी। ये बात तो ठीक है कहता, ये बात तो बिंदा से ही पूछे के पड़ी। पर कौनो ना कौनो कारण जरूर भाई पैसा वसूली के पीछे। भैया क्या कर रहा था? मलकिनी के पास गए थे। काहे के लिए? 10,000 रुपया मांगे थे ना, तो उनको पूरा 10,000 रुपया हम दे दिए भैया। साला 10,000 रुपया हमने मांगे थे, तो हम आपका इंतजार किए, आप नहीं आए तो बहुत देर हो रहा था। आप बोले 2 घंटे हम पैसा दे दीजिए, तो हमको प्रताप भैया बोले कि जाके मलकिनी को दे दो, तो हम उन्हीं को दे दिए भैया। ऐसा मलकिन के पास पहुंच गए, इतना लात खाने के बाद साला तुमको मुरारी। जी भैया जी। हाँ साला। जी भैया। कहाँ तेरे? कहाँ प्रतापा का? वो कुआं के पास है, जाके साला उसको बुला के ला। जा जल्दी से लेके आओ। अरे बात माथा में नहीं घुस रहा है, जब गोली घुसेगा तब समझ में आएगा। साला चुप, आज दिन से आजकल किए हो, पैसा कहीं नहीं पहुंचा अभी तक ना बेटा, तो कल से अपना प्रोटेक्शन कर लेना, गलती हो गया तो। हाँ अरे कल दो आदमी भेज देंगे, तबला बजा देगा दुकान में सर। अच्छा ठीक है, कल पहुंच जाना चाहिए। हाँ चल चल चल, अब रो मत, बहुत बढ़िया दवा तो। क्या रे? वो कुछ नहीं भेजी, ये प्रताप। हाँ क्या बात है? अरे हम कह रहे हैं ना तुम चलो। पर बात का है, बताओगे? ओ तुमको बिंदा भैया बुलाया है, जाके मिलो। ए का खुसर खुसर बतिया रहा औरत की तरह? ओ भैया जी कुछ नहीं, कह रहा कि बिंदा भैया बुलाए हैं हमका। हाँ तो जाओ, चला जाए गई जाओ। पर बिंदा भैया काहे बुलाए हैं? जो मिल ले जो। बिंदा कहीं प्रतापुआ को मारे पीटे का तो नहीं? हमको बुलाए हैं भैया जी। अरे साला तुम लोग आजकल अपने मन से सब काम करने लगे। क्या हुआ भैया जी? भैया जी क्या औलाद, तुमको पता नहीं है तुमसे क्या हुआ? अरे मलवा को कहे भेजे थे? अरे बोल ना, ये तो सामान काट लेंगे हम। ओ भैया जी बस साला, भैया जी से तो साला मुंह से बुलेट फूटता है, हमको सामने देखे मंडाने लगता है। बिना पूछे कहाँ भेजा? भैया जी हमको माफ कर दीजिए भैया जी हमको नहीं मालूम था कि वो आपसे मिलने आया। भैया जी माफ करिए भैया जी, वो हमसे बोला कि वो वसूली का पैसा देने आया है, सो हम उनका दुलारी भौजी के पास भेज दिए भैया जी। आने के काबिल नहीं है, मेरा पड़ा हुआ काम बिगाड़ दिया है। चमक इस वक्त बिंदा, क्या हुआ? कौन सा काम तुम्हारा बिगाड़ दिया? हमें सुने तो तुमको पूरा कहानी सुनाया। भागता है कि नहीं रे? चला भाग क्या ना। ए, चुप रहो, बिना मतलब के आदमी सब पे हाथ नहीं उठाओगे तुम, और काम की बात करते हो, जिंदगी में कोई काम किया है तू खुद? अरे साला तो तुम हमको काम सिखाएगा? चुप रहो तू, हम भी रहते में तब है, और तुम साले घर का इज्जत डुबा रहे हो ना, इस सीमा कुमारी के चक्कर में अपना सीमा भूल रहे हो तुम। खबरदार अपने जबान पे जबान काट देंगे। रंडी साली को रंडी ने तो भौजाई बोलेंगे। दीदी को बोल देंगे। तुम क्या बोला था? तुमको याद नहीं है कि उदयवा को अपना कुत्ता बना के रखेंगे और अपने राज करेगा? भी हम दीदी को जाके बता देंगे रे। सीमा कुमारी का नाम मतलब दीदी को बताएगा?
अरे बाप रे बाप, अरे दीदी रे, इस एक साला रंडी के चक्कर में हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, इस साला का जनवा का भाई हो गया है। अरे बाप रे, जा रहे दीदी को कहने साले। सवाल काम में नहीं रहता कहीं पुतलवा, दीदी को जाके सीमा रानी के बारे में बता दे। बेटा के बारे में हम तो सोच रहे थे कि सीमा रानी के बारे में पूछेंगे, लेकिन ये तो अरे गुंगा हो गए बाड़ा का, दही जम गए मुंह में। हाँ, अरे कुछ नहीं के सुने के चाहत हमरा के, अगर तो हमार भाई ना रहत ना तो जवान खींच के हाथ में दे देते। और हाँ, घर में राजनीति कराता रहा तू, एक बार कान खोल के सुन ला बिंदा, अभी सब ना चली घर में तो का पुरवा साफ कराई का करी ये बिंदा, का करता का ना करता कुछ याद रहता तोरा के? ए भोला पान वाला से वसूली करे खातिर के कहत रहे तोरा के? अरे पान बेच के 50 रुपया तू कमात ना रहे हो, 10,000 रुपया कहाँ से लाके दे तोरा के? दिमाग खराब हो गई बा तुहार, कबो कबो एने ओने के खबर भी लाके देत रहे हो, अब वो भी ना दी। दोबारा कोनो वसूली करे से पहले पूछ लिया हमरा के। हाँ बाप, अगर हमार बिटुआ के बारे में ऐसन वैसन बात कर ला ना तो लात मार के घर से बाहर निकाल दे, समझ ला? अब जो यहाँ से बहुत बिगड़ गई, तंग आ गई नहीं हम। साला भोलवा, तुमको विजय भैया की बात पे भरोसा नहीं था रे? जो वो हरामजादा सबको पैसा दिया है, साला कचड़ा कर दिया तुम विजय भैया की इज्जत का। अब सीने में गोली रख के बोला जिंदा नहीं रहने देंगे। और हम तुमको जिंदा रहने देंगे? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए भैया। साला तुमने सारा प्लान पर पानी फेर दिया। एक तो वो साला यहाँ आता नहीं, और आता तो लौट कर जाता नहीं। सब ठीक हो जाएगा भोला भाई, सब ठीक हो जाएगा, बैठाओ। बर्बाद कर दिया, हम कैसे दिया दुकान हमारा बर्बाद हो गया? महाराज के अंदर आके भैया अंदर आके लगता है आज भी नहीं आएगा वो। ऐसी महारानी, ऐसी महारानी, हम आ गए। ये आज कौनो नौटंकी नहीं चलेगा। हमारा मूड है आज खराब, तो आज तो हम मूड बना के जाएंगे। अरे बिंदा बाबू, ये तो कब से आप ही के इंतजार कर रहे हैं? अच्छा तो चलते हैं ना कमरा में। अरे बिंदा बाबू जरा रुकिए, इतना जल्दी का है? माफ कीजिएगा, आज तो आप पैसा देने का वादा किए थे ना। प्यार के बीच में तुम पैसा काहे के लिए लेके आती है? अरे तो कब देंगे? दे देंगे। हाथ तो छोड़िए, पहले बात करिए। 10,000 का तो इंतजाम कर नहीं सके आप, अब हमारी बेटी को देखने का भी हक नहीं है आपको। ए चमकी, ज्यादा बोलो मत, मेरा दिमाग ऐसे ही है घुमा हुआ, चलो जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा हुजूर, आप ताकतवर जरूर हैं, लेकिन पॉकेट से कंगाल हैं आप। अरे
10,000 का कोनो मोल है? इतना तो आजकल वो चाय पान वाला भी रखता है। ए चमकी, तुम ज्यादा पैसे नहीं बोल रही हो? बाकी सांच कह रहे हैं हुजूर। अब हम जैसों को तो आप ही लोगों का आसरा है ना। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिएगा कैसे? अब हम आपसे तो बहुत कम मांगे हैं, इतना पैसा तो हमारे द्वार पर लोग फूक कर चले जाते हैं। बस ऐसे आ जाता है ना। समझ में नहीं आवत कि रह रहे के बिंदा के दिमाग के का हो जाला। कभी कभी तो लागेला कि एकदम पगला गए लोग है। कभी कभी ना वो हमेशा से पागल है, क्रेक है। और जब वो अति कर देला नू तब तारा बुझाला कि कुछ भइल बा। हमार माना तो एक गो उपाय बा, ओकरा के वापिस अब गांव भेज दे बस। अरे गांव भेजे के कोनो जरूरत नहीं है, ओकर दिमाग दुरुस्त करे के कोनो दूसरा रास्ता निकाले के पड़ी। दूसरा रास्ता वो कमाई हम सोचता नहीं कि बिंदा के ब्याह कर देवे के चाहिए। गोड़ में बंधन पड़ी तो धीरे धीरे दिमाग भी बंधाए लगी। अरे ऐसे खीखी करके काहे हसत बाड़े? तोरा का बुझाता कि ओकर ब्याह ना हो सकेला? के करी बिंदा मामा जैसन पगलाई हाथी के साथ अपन बहन बेटी के ब्याह काहे ना हो सकेला? और काहे ना करी कोई ब्याह? कौन कमी बा ओकरा में? अरे हमार दुलारी देवी के सहोदर भाई हौ, एक से एक बढ़िया लड़की मिली ओकरा ला। हम काले मेहमान बाबू से बात करत आ, कोनो अच्छी लड़की देख के जल्द से जल्द ओकर ब्याह कर देल जरूरी बा। मेहरारू आके नाक में नकेल डाली तो बाबू साहब के दिमाग एकदम ठीक हो जाए। दीदी ते तो हमरा मुंह के बात छीन ले लीस। हम बहुत दिन से तोरा से यह कहे के चाहत नहीं है कि बिंदा के ब्याह करा दिया जाए। तू कहे ना कहब, ओकरा बादे तो तोहार नंबर लागी नू। अरे दीदी मजाक मत करा हमरा संगे। देखो बिंदा के ब्याह हो जाए नू तो यह वो उपाय ओकरा सुधरे के, चट मंगनी पट ब्याह हो जाओ फटाफट। ठीक, हम काले मेहमान बाबू से बात करत आनी। ये बिंदा कहाँ बा? दिखाई नहीं के पड़त। तोरा मालूम बा पुतन? गई लोई चुकी भाई के कुछ है और क्या? हाँ? ना ऐसा मूड में कहाँ जा सकता? गई लोई ठेका पर और क्या? साला 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत हो गए हम। साला तू तनवा का साला कहता है साला भाई कहा तेरे ना भैया 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत हो गए। बिंदा भैया अरे शुक्रिया भैया। अरे क्या कर रहे हैं? अरे अरे बिंदा भैया अरे अरे क्या कर रहे हैं? वो चमक गए कि कोठा के नीचे खड़े खड़े वहां का राज कर रहे हैं। साला क्या बोलेगा? बिंदा भैया ये जंगल है, कोनो शेर में आ गया तो बहुत गड़बड़। शेर कहां है? शेर कहां है? बिंदा भैया कहां है? शेर अरे कहां है? अरे कहां है शेर? साला शेर कहां के चलाता है? कहां है शेर? अरे बिंदा का शेर बर्बाद कर रहा है महाराजन का शेर है रे। मालकिनी! अरे मालकिनी! मालकिनी! अरे पुत्र भैया! अरे खराब है! अरे कहाँ है आप लोग? जल्दी आइए! कैसे हो गया एक्सीडेंट? अब क्या बताएं? भैया जी कैसे पीपा के चले आ रहे थे, अचानक ये गाड़ी सामने से आया और टक्कर मार के भाग गया सर से। तुम लोग कहाँ गया था? कहाँ गया था रे?
भैया जी क्या बताएं, जब तक हम कुछ समझे कि तब तक तो टक्कर मार के भाग गया। अब हम लोग को कुछ बुझे भी नहीं किया कि सब अचानक कैसे हो गया। गाड़ी देखा, नंबर देखा उसका? नहीं बल्कि नहीं, वो तो एकदम से भाग गया, दौड़ाए थे हमको। दीपा कह रहा है ना तुम लोग भी पिया था इसके साथ में? नहीं भैया जी, नहीं। कसम से पिया। सीधा करो, अब कहीं गहरा चोट वोट तो लगा नहीं है? क्या एक्सीडेंट हुआ है? नहीं भैया, जो क्या हुआ ना कि एकदम से अचानक सड़क गिर रहे ट्रक से गिर पड़े। हमारा बुझाता ही दारू पी क्या होता, नशा में कहीं खुदे गिरल बा। पानी लिया? बिल्कुल होश में नहीं खाई। हाँ बिंदा, कहाँ पी रहा था रे? एक्सीडेंट हुआ है कि तुम लोग भी पी रहा था इसके संग दारू? कोई हम लोग नहीं पी रहे थे। देता पानी देता, अभी इनका के होश में। अरे देखा था दीदी, पूरा देह एक बदबू से महका था दारू के। अभी पानी डालता है, नशा फट जाए। ए बिंदा, अरे बिंदा आराम से बिंदा। सीमा, दीदी सामने है, तू सीमा से बात कर रहा है? ए बिंदा, ए बिंदा, बिंदा, उठ। ए सीमा, उठ। हम आ गए सीमा। ए बिंदा, बिंदा, अरे हम हैं बिंदा। I love you. कौन है सीमा? तुमको कुछ नहीं क्या मालूम भैया? हम तोरा से पूछा थे पुतन, कौन है सीमा? हमको क्या पता दीदी कौन है सीमा? तुमको नहीं पता तो किसको पता है? कि कहाँ जात रहे आत रहे तुमको कुछ नहीं पता? दीदी हम कौन थोड़ी इसके साथ आते जाते हैं, कि इसका पूरा दिन चले हमको पता होगा। सीमा तना रहे ना जे रजनलाल के साथ बा? पता ना दीदी, हमरा तो नहीं मालूम, अंदाज में कैसे हम बोल दे। अभी सुता दे एकरा के, सुबह नशा फाटिया तो हम बात करिए। ठीक बात है दीदी, तू जा घरे जा। ए इसको ले चलो कोठरी में सुलाओ। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अंदर जाके सो जाइए ना। हम कैसे अभी सो सकते हैं? जब तक हवेली का पूरा गेट बंद नहीं होगा हम नहीं जाएंगे सोने। ललन भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और वैसे भी मुझसे एक बार गलती हो चुकी है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। सो तो है। हाँ तो हम दोबारा वो गलती थोड़ी ना करेंगे। ललन भैया आप जो ये सुबह से लेकर रात तक ऐसे बैठे रहते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है, आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना। आप जाके आराम कीजिए, प्लीज प्लीज जाके आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस बार दोबारा कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे। पिछली बार जो हम किए उसके उस तरह का कोई गलती नहीं करेंगे। अगर इस बार बीजेपी को पता चल गया ना तो सीधे परलोक पहुँच जाएंगे। आप जाइए जाकर सोइए आप आराम से। ललन भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते। ललन भैया आप अपनी आंखें देखिए, नींद से एकदम लाल लाल हो गई है। आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है, पता है आपको? आप अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ललन भैया आपने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया है ना, तो आपकी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जाके आराम से सो जाइए थोड़ी देर। मेरा माथा भी दर्द कर रहा है। हाँ वही तो नहीं जा सकते। अरे लेकिन लेकिन जाने दीजिए, हम यही अंदर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सच में आप बस जाइए आराम से सो जाइए, क्योंकि आपको रेस्ट की ना बहुत जरूरत है। जाइए आप, जाइए, हम मेरी बात मानिए, आप जाइए जाइए, सच बता रहे हैं, हम यही पे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जाइए।
फंस गया बिंदा, अब सब बात दीदी के सामने खुलिए जाएगा। बात तो सब मालकिन के सामने खुलिए गया होता भैया जी, वो तो आप ही बात को दबाए दिए। अरे कितना अच्छा मौका लगा था आज हाथ में, आपको सब सच सच मालकिन को बता देना चाहिए था। अरे मालकिन को भी पता चल जाता कि इस साली उहे सीमा है जो कल तक रज्जन बाबू के चक्कर में पगलाई हुई थी, अब बिंदा भैया इस साली के चक्कर में पगलाए हुए हैं। तो खाली तन का खेला देखते जा, हम बिंदा को उसी के जाल में फंसा देंगे। सो कैसे भैया जी? देख बजा, पहले बजा। हाँ बस, दूसरा बजा। हाँ बस 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 बस, देख बात एकदम सही समय पर दीदी के सामने खुल गया है, और हम नहीं चाहते थे कि हम दीदी को बताएं, ताकि उसको लगेगा कि हम बिंदा को भागने का साजिश कर रहे हैं। जब बात दीदी के सामने खुली गया है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, पर हाँ इतना है कि बिंदा का भूया बिस्तर यहाँ से बंधवाइएगा हम दम लेंगे, इतना है। अबे इस घर पे एक छत्र राज होगा। सो बात एकदम ठीक कही भैया जी, अगर आप बिंदा भैया को यहाँ से हटवा दीजिएगा तो फिर आप वही आप नजर आइएगा, फिर कौन होगा यहाँ पे आपके सामने टिकने वाला। छोड़ छोड़ छोड़, बस तू खाली पुत्तन का खेला देखते जा, समझ कि हमारा अब राज्याभिषेक होने वाला है। विजयकांत की छोटी बहन मेघा बोल रही हूँ। नमस्ते। खुश रहो बेटी, अभी इतनी रात में फोन किया, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना? जी, मुझे इंदर से बात करनी है। इंदर से? अभी? हाँ अंकल, मुझे सिर्फ जरूरी बात करनी है। बेटा इतनी रात में इंदर से क्या बात करनी है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज उसको फोन दे दीजिए। देखो बेटा, इंदर अभी अपने कमरे में सो रहा है, जो बातें करनी है सुबह कर लेना। नहीं, मेरा भी उससे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज उसको फोन दे दीजिए ना। बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारा मंजूर नहीं है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, हम सब मजबूर हैं। देखिए मेरा इंदर से बात करना बहुत जरूरी है, अगर आप मेरी उससे बात करा देंगे तो आपकी आपकी मेहरबानी हो जाएगी, प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बाबूजी आप इस वक्त? क्या बात? बेटा तुम्हारे लिए फोन है। इस समय कौन है? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो, कौन? हेलो इंदर, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? कौन मेघा? अरे मैं विजयकांत की बहन बोल रही हूँ, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। हाँ 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 मेघा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सच सच बताना, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो? बाबूजी थोड़ा बाहर जाएंगे प्लीज। ठीक। हाँ मेघा, देखो ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मेघा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अरे तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? जब मैं एक लड़की होकर अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ, अपनी बात को सामने रखने का दम रखती हूँ, और तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते? देखो देखो, अगर ये शादी हो गई ना तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कुछ भी करो, तुम ये शादी होने से रोको बस। मेघा आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, इससे कुछ भी हासिल नहीं। इंदर, लेकिन तुम ऐसे क्यों? देखो मेघा, अब अगर मैंने जरा से भी अपनी तरफ से कोई कोई भी कोशिश की ना, तो
तुम्हारा भाई है ना वो बाहुबली, वो मुझे और मेरे बाबूजी दोनों को ही जान से मार डालेगा। और मेघा, मैं अपने बाबूजी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। देखो इंदर, अगर हमारी शादी हो गई ना तो हम जीते जी मर जाएंगे, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इंदर देखो, कुछ भी करो लेकिन ये शादी रोक लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। कुछ भी करो लेकिन ये शादी रोक लूं प्लीज। मैं फोन रखती हूँ, बाय। ऑर्डर दे दिया उन्होंने। वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। अब लग रहा है कि हमारी मेहनत कुछ रंग ले आई है। ठीक है, मैं बाद में विस्तार से तुमसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाह, व्हाट अ न्यूज़। कैसे याद किया आपने? एक छोटी सी खुशखबरी देनी है आपको। खुशखबरी? वो क्या है? हम लोग अपनी लड़ाई का पहला मोर्चा जीत गए हैं। दिनकर जी की मौत को सीआईडी जांच का आदेश मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये हुआ कब? आज सुबह गवर्नर साहब ने आदेश जारी किया है। आप जानती हैं कि इस केस की जिम्मेदारी उन्होंने किसे सौंपी है? एक काबिल और जिम्मेदार ऑफिसर अमित कुमार को। यू नो अमित कुमार ना? या आई नो हिम। वेरी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफिसर। निशा जी, अब लगता है कि ये लड़ाई हम जीत कर रहे हैं। और जहां तक मैं अमित कुमार को जानता हूं, मुझे पता है कि अगर वो कोई केस हैंडल करते हैं तो उसकी सच्चाई की जड़ तक पहुँच कर उसे उजागर करते हैं बिना कोई कंप्रोमाइज किए हुए। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि देर से ही सही, लेकिन गवर्नमेंट ने काबिल ऑफिसर को दिनकर जी की केस की जांच की जिम्मेदारी दी है। वेल, इट्स अ नाइस थिंग। निशा जी, आपसे कुछ और भी बात करनी थी। अब क्या कहना चाहते हैं? बात दरअसल ये है कि नहीं, वो फोन पे बात करना ठीक नहीं है। क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? तो कोई खास बात है क्या? जी ठीक है, मैं कुछ देर में आपके घर आती हूँ। ओके, सी यू देन। सी यू देन। दिनकर जी की केस की जांच अब सीआईडी करेगी। ये तो बड़ी बाबा, पार्सल रवाना कर दिया? हाँ वो भाभी जी। आओ 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 दुल्हन। क्या बात है? हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। बैठो। कहो। बाबा, आप तो जानते ही हैं दिनकर जी की मौत के बाद न्याय पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मैं भी शामिल थी। जानते हैं बाबा, उस लड़ाई का नतीजा सामने आना शुरू हो गया। मतलब? बाबा, आज सुबह गवर्नर साहब ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी? और जिस ऑफिसर को इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ईमानदार और तेज तर्रार किस्म का इंसान है। क्या नाम है उसका? अमित कुमार। नाम तो सुना हुआ लग रहा है। Thank you.
जानते हैं हमें उसको, बहुत कड़क ऑफिसर है ये। और कुछ कहना है? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं बारह में। जी हाँ। दिन के 11 बज गए और तोहार नींद अब भी लगे नहीं के टूटत। दीदी का बात है? बोले बोले। सूरज सर पे चढ़ आइल और तोड़ा ली तो अभी भी भोरे भइल बा बबुआ। हां अरे रातें ज्यादा हो गई। इतना काहे पिए ले के रोड पर गिरत पड़त रह जात रहे। हां और कहियो कोनो गाड़ी के नीचे आ गई तो सारा पियल निकल जाए, समझ ल। एको बात बतावा, सीमा कौन हिया? कौन सीमा? वो है जेकरा नाम के माला जपत रहे तू रात नशा में, आई लव यू सीमा रानी। हाँ ओ अच्छा अच्छा, अरे इतना इतना तुमको भी दीदी जो है ना कहीं कहें कि आज आपका तेवर इतना बदला हुआ का है। आप ही जो है ना मजाक के बात का पतंगर बना देते। मजाक के बात? केकरा साथ मजाक कर रहल बाड़े तू? अरे कल रात देखे नहीं कि पुतनवा हमको कैसे देख रहा था, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम सीमा बोले, तो हम और चिढ़ाने के लिए उसको सीमा सीमा बोले लगे, तो देखे कैसे नाक मुंह सिकोड़ने लगा था। ठीक बा, अब तू दांत खसोड़ल बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। हम तोहार ब्याह ठीक करे जात बानी। बिया तोहार बिया और कैसन बिया? हम बिया वाला करें तका जिंदगी भर खुला सांड जैसन घूमत रहे बा। अरे बिंदा बिया शादी के भी कोनो उमर होला? कह दिए ने बा कि हम बिया वाला नहीं करेंगे। तो तोरा काला ना काला से का हो जाला? हां बहुत दिन बाद दिन तू बिगड़ते जा रहल बा और तोरा के नाथ डालल बहुत जरूरी बा। अच्छा एक बार बतावा दीदी, हमसे कौन बिया करे? ई तोरा के चिंता करे के जरूरत नहीं के। हम अभय दामाद बाबू के बुला के कहत बानी के बिंदा के लिए एक अच्छा लड़की ढूंढ और तोहार ब्याह शादी करके ना हम ई फर्ज से उत्तीर्ण हो जाए के चाहत बानी। और एक बात और सुन ल, हम तोहार ना नुकुर नहीं खे सुने वाले, समझ ल, नहीं खे सुने वाले। हमरा ब्याह कराने चाहिए। हमरे जैसे गुंडा से क्या बिया करे? ना तो बस रात की रानी सीमा रानी। तार का पैसा भी तो इकट्ठा करेंगे ना, तो चिड़िया जाई फोड़ से ओढ़ तो जमा करना पड़ेगा। सितंबर का भैया जी, ये अक्टूबर का रहा और फाइनल रहा नवंबर का, यहाँ तक आप खुद ही देख लीजिए भैया जी। कहने को इतना बड़ा देसी शराब का बट्टी और बिक्री खैनी चूना के दुकान जैसा, क्या हिसाब दे रहे हो हमको तुम? का हमको पता नहीं हुआ कितना शराब बिकता है? वो कहा है भैया जी कि इस महीना बिक्री दारू का बहुत ही कम रहा है। पहले मलेरिया फैला हुआ था, अब कलरा फैल गया है भैया जी, तो इसकी वजह से दारू का पूरा धंधे ठप हो गया है। सब तो पब्लिक बीमार पड़ गए हैं, तो कौन पीने आएगा भैया जी? यही वजह है कि इस बार बिक्री बहुत कम हुआ है। नौटंकी बंद करो और सही सही ईमानदारी से हिसाब दो। क्या बात कर रहे हैं भैया जी, इतना दिन से हम आपके साथ हैं भैया जी, आपको लगता है भैया जी कि हम कुछ गलत करेंगे? इसमें जो लिखा है एकदम सही है जी भैया जी, एक एक पैसे का साफ साफ हिसाब लिखा हुआ है। एक एक पैसे का हिसाब है?
वो एक बहुत पुराना कहावत है, चोर कभी सीधे आंख नहीं मिला पाता। तुम्हारा भी वही हाल है, तुम्हारा आंख बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। भैया जी माफ कर दीजिए, भैया जी बहुत बड़ा गलती हो गया, भैया जी मुझे माफ कर दीजिए, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भैया जी, पर क्या करें भैया जी बहुत मजबूर हो गए, बहन का दहेज बड़ा कम पड़ रहा था भैया जी, इसके लिए हमको बेईमानी करना पड़ा, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। लीजिए कान पकड़ते भैया जी, आपके गोर पड़ते हैं, हमको माफ कर दीजिए भैया जी, कभी नहीं ऐसा करेंगे भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए। भवानी से पूरा हिसाब किताब करके सारा पैसा वापस ले लेना, सारा पैसा मतलब जितने का सही में बिक्री हुआ है इस बार उतना। जी भैया जी प्रणाम भैया जी। आप बैठिए, मैं no, it's fine. So, I'm completely fine. आप बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे ऐसे कैसे होगा, आप पहली बार मेरे घर आई हैं। बस एक no, no, I'm completely fine. मैं ठीक हूँ, आप बैठिए प्लीज। Sure. Please बैठिए। अच्छा आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, कोई खास बात है? निशा जी एक्चुअली बात तो काफ़ी बड़ी है और मुझे पहले से संदेह था इस बारे में, लेकिन अब जब मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है और इस बात का मुझे यकीन हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे। सुबोध जी आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। निशा जी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप जानती हैं दिनकर जी की हत्या के पीछे किसका हाथ था? आपके अपने सगीर जिम्मेदार हैं इसके, पापा और विजयकांत। ठीक क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी ने गलत खबर दी। निशा जी मुझे जिन सूत्रों से ये खबर मिली वो कभी गलत नहीं हो सकते। आप जानती हैं मैं एक पत्रकार हूं, किसी की बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लूंगा। देखिए सुबोध जी, जितना विश्वास आपको अपने सूत्रों पे है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे अपने फैमिली मेंबर्स पे है। मैं अपने परिवार के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि बाबा और विजयकांत ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए सुबोध जी, अगर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा कुछ लगा होता ना, तो मैं खुद इस लड़ाई में कभी आपका साथ नहीं देती। जानता हूँ और आपकी भावनाओं की आपकी सोच की कद्र करता हूँ, लेकिन सच ये है। सुबोध जी प्लीज ना तो मैं इसके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही सोचना, क्योंकि मुझे मेरी सोच और विश्वास पे पूरा भरोसा है। निशा जी मैं आपकी सोच और आपके विश्वास का निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ये तो जानती हैं कि दिनकर जी की हत्या हुई है, और अगर हत्या हुई है तो हत्यारे का हाथ भी जरूर होगा। ठीक है, अब कम से कम ये बात तो निश्चित तौर पर हम कह ही सकते हैं कि इस हत्या के रहस्य से अगर कोई पर्दा उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है उदय। उदय? जी हाँ, उदय जो बब्बन लाल का बेटा है और इस केस का इकलौता गवाह है। अब हमें किसी भी तरह से CID ऑफिसर अमित कुमार को उदय तक पहुंचाना है, ताकि वो उससे सच्चाई निकलवा लें और अपराधी को पकड़ सकें, या फिर हम खुद
किसी तरह से उदय तक पहुंच जाए, उदय से पूरी सच्चाई पूछ लें, समझ लें और ये सारी बातें अमित कुमार को बता दें। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या जा सकता है। तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हत्यारे बहुत दूर निकल जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है और इस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। महाराज का जियाद करेगा उदयलाल का मंत्र।